इस तरह सरकार के साथ हुआ 4000 करोड़ का स्कैम। फरवरी 2019 में गवर्नमेंट ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च की, जिसके तहत फार्मर्स को सालाना 6000 रुपए दिए जाएंगे। इसमें गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कौन कौन क्वालिफाई करेगा और किस तरह से स्टेट ऑफिशियल्स उसे वेरीफाई करेंगे और अप्रूवल देंगे। अब ये सब कुछ सही चल रहा था, तब ये न्यूज आई कि कई सारे फेक फार्मर्स अपनी झूठी आइडेंटिटी दिखाकर इस स्कीम का फायदा ले रहे हैं, जिसके चलते इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। अब इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि असम के लगभग 8.5 लाख फार्मर्स, तमिलनाडु के 7 लाख फार्मर्स, यूपी के 21 लाख फार्मर और अलग अलग स्टेट्स के कई सारे फार्मर्स ने कुल मिलाकर 4000 करोड़ का गवर्नमेंट को चुना लगाया। अब इन लोगों ने ये किया कैसे, तो कुछ रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने कुछ ऑफिशियल से कांटेक्ट किए और वहाँ से उन्होंने पहले तो डेटाबेस निकाला कि कौन कौन इस स्कीम के बेनिफिशियरी है। फिर उनमें से कई सारे लोग ऐसे थे जो इस स्कीम का फायदा नहीं ले रहे थे, इसलिए कुछ फ्रॉडस्टर्स ने उनके फेक आधार कार्ड बनाए, उनके नाम पे ही बैंक अकाउंट भी खुलवाया और फिर अपने डिटेल इस स्कीम में जोड़ दिए, जिसके चलते उन्हें सालाना 6000 रुपए आने लगे। अब इससे सरकार को तो नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन कई सारे जो जेन्युइन फार्मर्स थे उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ।